गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास टुडे वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर टेन एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे हम इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या इंटरनेट के बारे में चीज़ें हैं वो हम इस चैप्टर में जानेंगे इसमें एट द ग्लेंस में दिया है क्या क्या चीज़ें आप इंटरनेट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे वो वो चीज़ें दी गई हैं वो वो टॉपिक दी गई है तो आइए देखते हैं किस चीज़ के बारे में आज आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ओके okay? वॉट इज़ इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है उसके बारे में इंटरनेट एक्सप्लोर के बारे में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सर्चिंग इन्फॉर्मेशन विद गूगल के बारे में इंटरनेट इंटरनेट टर्म्स के बारे में ये टॉपिक के बारे में आज आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ओके okay? तो दिया मोस्ट ऑफ यू हैव हार्ड अबाउट द इंटरनेट मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हियड अबाउट द इंटरनेट आपने बहुत सुना होगा इंटरनेट के बारे में मेनी ऑफ यू माइट आल्सो हैव यूज टू सीन द इंटरनेट बीइंग यूज सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक फॉर सेंडिंग ईमेल प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा ठीक है तो मेनी ऑफ यू माइट आल्सो यू हैव सीन आपने बहुत जगह देखा होगा बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी इंटरनेट के बारे में जिससे कि जिसके लिए यूज़ किया जाता है इंटरनेट को जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना हो कोई भी जानकारी जाननी हो या फिर कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो कोई सेंड करना हो ईमेल या आपको गेम खेलना हो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं ओके व्हाट इज़ इंटरनेट वट इज इंटरनेट इंटरनेट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे द इंटरनेट इज़ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट एक कंप्यूटर का सिस्टम है ओके सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट इज सिस्टम एक सिस्टम है कंप्यूटर का इंटरनेट इट हैज़ मेड बाई ज्वाइनिंग मनी नेटवर्क फ्राम द गोबल नेटवर्क अक्रॉस इंटायर वर्ल्ड इट हैज़ मेड बाई ज्वाइनिंग मीनी नेटवर्क ये बहुत सारे नेटवर्क से एक साथ जुड़ा होता है फ्राम अ ग्लोबल नेटवर्क अक्रॉस द इंटायर वर्ल्ड ग्लोबल नेटवर्क से ये जुड़ा होता है ठीक है ये नेटवर्क जो है ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ा होता है और ये पूरे वर्ल्ड में इंटायर होता है मतलब कनेक्ट होता है सो व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क तो आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं ठीक है कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पर है आपका टॉपिक वह हम कंप्यूटर आर कनेक्टेड बाय केबल और सैटेलाइट जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं केबल और सैटेलाइट से दे फ्रॉम अ नेटवर्क तो वो क्या कहते हैं उसे नेटवर्क करते हैं ठीक है वो नेटवर्क से जुड़ जाते हैं जब कंप्यूटर को हम केबल या सैटेलाइट से कनेक्ट करते हैं तो वो जो उस नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क ठीक है कंप्यूटर ऑन ऑन नेटवर्क कैन शेयर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर ऑन नेटवर्क जब कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे हम तो क्या होगा शेयर इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉमेशन को शेयर करेगा सेंड मैसेजेस टू ईच अदर इवन शेयर हार्डवेयर सच एज प्रिंटर ठीक है इंफॉर्मेशन सेंड इमेजेस टू ईच अदर इवन शेयर हार्डवेयर सच एज प्रिंटर प्रिंटर की तरह ठीक है और आज आपके मैसेज को सेंड करता है आपको इन्फॉर्मेशन देता है और आपकी सारी जानकारी जो भी आपको चाहिए इसमें आप जान सकते हो ओके इंटरनेट टर्म्स क्या है इंटरनेट टर्म्स के बारे में देख लेते हैं वॉट इज इंटरनेट टर्म लेट एस डिस्कस सम इंटरनेट टर्म्स नाउ कुछ इंटरनेट टर्म्स नाउ के नाउ इस समय इसके बारे में हम जान लेते हैं फर्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब जो जो कि आप फुल फॉर्म पढ़े हो गए वर्ल्ड वाइड वेब इसे शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू डब्ल्यू डाब्ल्यू कहते हैं ठीक है द वर्ल्ड वाइड वेब वेब रिफर टू द मिलियन डिजिटल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट विच आर लिंक टू इच अदर लाइक स्पाइडर वेब ठीक है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो रिफर टू मिलियन डिजिटल डॉक्यूमेंट वो क्या करता है रिफर करता है ठीक है मिलियन डिजिटल डॉक्यूमेंट बहुत सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट को क्या करता है रिफ़र करता है रखता है ऑन द इंटरनेट विच आर लिंक टू इच अदर लाइक स्पाइडर वेब जो कि इंटरनेट जो है वो लिंक्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से स्पाइडर वेब मकड़ी के जाले की तरह इंटरनेट जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो मिलियन डिजिटल डॉक्यूमेंट को रेफ़र करता है ओके इसका ये वर्क है तो इसमें क्या क्या आप पाते हैं देखिए वेबसाइट पाएंगे जहाँ पर आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो यू पाओगे एंड हाइपर लिंक सर्च बटन यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो वेब पेज ये आपका इंटरनेट विंडो का पेज है जो आप ओपन करोगे तो ओपन होकर ये पेज आएगा इसे हम कहते हैं इंटरनेट विंडो ओके फिर वेब पेज है नेक्स्ट वेब पेज के बारे में है वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब वेब पेज क्या है डॉक्यूमेंट है एक वर्ल्ड वेब का एक पेज पेज कैन कंटेन टेक्स्ट वीडियो साउंड और एंड लिंक टू अदर पेजेज ये वेब पेज कंटेंट ये क्या कंटेन करता है ये क्या रखता है टेक्स्ट कुछ टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहो या उसमें रखना चाहो वीडियो साउंड ठीक है एंड लिंक टू अदर पेजेस और दूसरे पेजेस के लिंक रखता है ओके okay? ये सारी चीजें इसके पास रहती हैं हाइपर लिंक क्या है ए हाइपर लिंक इज द दाईलाइटेड टेक्स्ट ऑन द वेब पेज हाइपर लिंक क्या करता है हाईलाइट करता है वेब पेज के टेक्स्ट को जो भी वेब पेज पे लिखा हुआ है टेक्स्ट उसे क्या करता है हाईलाइट करता है ंग टू कनेक्ट यू टू अदर वेब पेज ऑन द इंटरनेट क्लिकिंग कनेक्ट यू टू अदर वेब पेज ठीक है आप इसे क्लिक करोगे तो कनेक्ट कर सकते हो यू अदर वेब पेज दूसरे अदर वेब पेज से इंटरनेट के इसे आप इंटरनेट पे अदर वेब पेज से भी कनेक्ट कर सकते हो हाइपर लिंक आर हाईलाइटेड बाई अंडर लाइनिंग एंड डिस्प्ले इन द डिफरेंट कलर हाइपर लिंक आर हाईलाइटेड बाईर अंडर लाइनिंग हाइपर लिंक आप कैसे उसे पहचानोगे कि हाइपर लिंक कैसे यूज करने के बाद उसे कैसे हाईलाइट हो सकता है तो हाइपर लिंक का आप यूज करोगे तो वो अंडरलाइन होकर हाईलाइटेड हो जाएगी ठीक है आर इन द डिफरेंट कलर और डिस्प्ले पर आपको डिफरेंट कलर से दिखने लगेगी ओके नेक्स्ट है वेबसाइट वेबसाइट वेब 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 क्या है ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज रिलेटेड टू ईच अदर सर्टन टॉपिक इज नोन एज अ वेबसाइट ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज वेब पेज का एक कलेक्शन एक कलेक्शन जो कि कलेक्ट करके वेब पेज में रहता है उस रिलेटेड टू ईच अदर बाई सर्टेन टॉपिक हर सर्टेन uh, टॉपिक उस रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में वो चीज़ उस वेब पेज में मौजूद रहती है उसे हम वेबसाइट कहते हैं ठीक है कोई भी स्पेशल चीज़ को लेकर के कोई भी स्पेशल टॉपिक को लेकर के उस वेब पेज में वो सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है ओके okay? उसे हम वेबसाइट कहते हैं यू आर एल यू आर एल क्या है यू आर एल के बारे में पढ़ेंगे ईच वेब पेज हैज़ एड्रेस फ्रॉम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर ठीक है ईच वेब पेज है यूनिक एड्रेस कॉल्ड हर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है एक अलग सा एड्रेस होता है इसका है यू आर एल ठीक है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे हम यू आर एल के नाम से जानते हैं ठीक है वी कैन लोकेट अ वेब पेज बाई बाई इट्स यू आर एल वी कैन लोकेट अ वेब पेज आप इस वेब पेज को किस पर देख सकते हो लोकेट कर सकते हो यू आर एल पर ओके होम पेज होम पेज के बारे में दिया होम पेज इज द फर्स्ट पेज यू सी वेन यू इंटर अ वेबसाइट जब आप इंटर करोगे जब आप वेबसाइट खोलोगे तो वो होम पेज आपका फर्स्ट पेज होगा जो कि आप उस वेबसाइट पर देखोगे इट इज लिंक टू अदर पेजेज ऑन द साइट इस पर क्या होगी लिंक होगी अदर पेजेस ऑन द साइट दूसरे पेज के साइड पर जाने के लिए बहुत सारे आपको लिंक उस पर शो करेगा जिस पर आप अगले पेज पर जा सकते हो ठीक है नेट सर्फिंग क्या है नेट सर्फिंग नेट सर्फिंग के बारे में पढ़ेंगे मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज नेट सर्फिंग मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट एक वेबसाइट पे जाने के लिए अनदर ऑन द इंटरनेट नोन एज नेट सर्फिंग मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर एक से दूसरे वेबसाइट पे जाने के लिए ऑन द इंटरनेट इज नोन एज नेट सर्फिंग ठीक है उसे हम क्या कहते हैं नेट सर्फिंग एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को इंटरनेट पे से जाने के लिए उसे हम नेट सर्फिंग कहते हैं नेक्स्ट है वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर ए वेब ब्राउजर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच लेट्स यू रीड पिज द ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर इज़ अ सॉफ्टवेयर ये एक सॉफ्टवेयर है विच लेट्स यू रीड पेज जो कि आपको पेज पढ़ने में हेल्प करता है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब जो कि डब्ल्यू 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 पर आपके जो भी पेज डाउनलोड होते हैं जो भी पेज होते हैं उसे आपको रीड करने में ये हेल्प करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स आर सम कॉमनली यूज ब्राउजर ये सारे क्या है? हैं ब्राउजर्स के नेम दिए गए हैं ये सारे ब्राउजर हैं जैसे वेब ब्राउजर होता है वैसे ही ये सारे ब्राउज़र हैं ओके okay? जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं यू कैन सी दम ऑन योर कंप्यूटर डेस्कटॉप विद डिफरेंट आइकन आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर देखोगे तो ये डिफरेंट आइकन में अलग अलग आइकन में मौजूद रहते हैं इन विंडोज़ टेन विंडोज़ टेन में इज हैज़ रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोर एज द ब्राउजर विंडोज़ टेन में इज हैज़ रिप्लेस इस रिप्लेसड कर दिया गया था इंटरनेट एक्सप्लोर एज अ ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोर को ब्राउजर के तौर पर ओके okay? नेक्स्ट है इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जो कि एक पार्ट है एक भाग है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ठीक है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है आपका उसका एक ये पार्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर नेक्स्ट है यू कैन सी द इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन यू योर डेस्क यू कैन सी द इंटरनेट एक्सप्लोर आइकन सी योर डेस्क आप इसे अपने डेस्कटॉप पर देख सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर को इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टेप दिया गया है क्लिक ऑन आइकन ई का सिंबल होता है ठीक है उसमें हम क्लिक करेंगे इस आइकन पर द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो ओपन अप आपका इंटरनेट एक्सप्लोर जो है विंडो के तौर पर वो आपको ओपन हो जाएगा टू गेट अ वेबसाइट फिर हम वेबसाइट पर जाएंगे यू हैव टू टाइप यू आर एल इन द एड्रेस यू हैव टू टाइप आप इसे टाइप करोगे यू आर एल इन द एड्रेस बार में जा कर टू गो दूगल सर्च इंजन तो गूगल क्या करेगा उस चीज़ को सर्च करेगा टाइप डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम इन द एड्रेस बार एट द प्रेस इंटर ठीक है जब लिंक आएगा ये तो वहाँ पर हम जा कर के एड्रेस बार में जा कर के प्रेस इंटर इंटर हम प्रेस कर देंगे ठीक है ये आपका एड्रेस बाहर है ओके जहाँ पर आप लिंक डालते हो या आपको जो भी सर्च करना है वो आप डालते हो ओके द गूगल सर्च इंजन ओपन अप आपका जो गूगल सर्च इंजन है वो क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से गूगल सर्च इंजन ओपन कुछ इस तरह से फिगर आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखेगा ओके okay? फिर नेक्स्ट है गूगल क्रोम इज़ अ पॉपुलर वेब ब्राउजर गूगल क्रोम क्या है एक पॉपुलर वेब ब्राउजर है डेवलप बाई फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ये किसके द्वारा डेवलप किया गया बनाया गया फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी एक बहुत ही फेमस uh, कंपनी के द्वारा जिसका नाम है गूगल इट्स सिंपल डिजाइन लेट्स यू सर्फ द नेट फास्टर इसका डिज़ाइन सिंपल डिज़ाइन इट्स सिंपल डिज़ाइन लेट्स यू सर्फ द इंटरनेट नेट फास्टर बेटर एंड ईजी वे इसका सिंपल डिज़ाइनिंग है इसका सिंपल uh, मोटिव क्या है आपके uh, सर्फ को आपके नेटवर्किंग को और भी बेटर और इजी बनाना ओके okay? इस तरह से आपका गूगल ओपन होकर आएगा क्रोम इंटरफेस में ठीक है क्रोम इंटरफेस आप ओपन करोगे तो इस तरह से यहाँ आएगा यहाँ पे आपने डाला था डब्ल्यू डब्ल्यू गूगल डॉट कॉम तो ये आपका ओपन होकर आया है फीकर इस तरह से आपके मॉनिटर स्क्रीन पर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन विद गूगल अगर आप इन्फॉर्मेशन सर्च uh, करोगे गूगल के साथ तो उसे हम कैसे कर सकते हैं इस सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प यू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट ए सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर एक सर्च इंजन क्या है एक सॉफ्टवेयर है विच हेल्प यू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट जिससे कि आपको इंटरनेट से इसमें कोई भी चीज़ सर्च करने में हेल्प मिलती है यूजफुल है वि सर्च फ्राम इन्फॉर्मेशन यूजिंग द कीवर्ड्स आप की से इसमें इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो सर्च कर सकते हो उसको विच हैव टू इंटर इन द सर्च बॉक्स जो कि आप सर्च बॉक्स में डाल सकते हो जो भी आपको सर्च करना है सर्च बॉक्स में जाके इंटर कर सकते हो ठीक है कीबोर्ड कैन आल्सो बी इंटर्ड इन द एड्रेस बॉक्स कीबोर्ड की वर्ड की वर्ड्स कैन आल्सो इंटर इन द एड्रेस बॉक्स की वर्ड कहाँ होगा जब आप एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो कीवर्ड वर्ड वहाँ पर एक ओपन होकर आएगा जिसमें से आप टाइप कर सकते हो दोनों you know, में दिया है गूगल इज़ ना नंबर वन सर्च इंजन वेबसाइट इन द वर्ल्ड गूगल इज़ द नंबर वन सर्च इंजन गूगल एक नंबर वन सर्च इंजन है जो कि अब वेबसाइट सर्च इंजन वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड में जैसे कि यह है यहाँ पर दिया याहू एंड बिंग आर अदर पॉपुलर सर्च इंजन याहू और बिंग जो है अदर है अदर सर्च इंजन है ठीक है गूगल के बाद ये अदर सर्च इंजन है ओके okay? यहाँ पर आप डालोगे तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स इन द सर्च बॉक्स आपको आएगा ये कीवर्ड्स सर्च बॉक्स में से आप ढूंढ के डाल सकते हो नेक्स्ट है स्टेप टू द गूगल स्टेप टू गूगल सर्च फ्रॉम इंफॉर्मेशन अगर कोई इंफॉर्मेशन को गूगल से लेना है तो उसके लिए हर स्टेप दिया गया है कैसे हम इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं फर्स्ट टाइप द कीवर्ड्स एंड प्रेस द गूगल सर्च बटन और इंटर की टाइप द कीवर्ड्स पहले हम कीवर्ड्स को टाइप करेंगे प्रेस गूगल सर्च फिर प्रेस गूगल सर्च पे टाइप करेंगे बटन और इंटर की फिर हम इंटर की पे प्रेस कर देंगे ठीक है आपका सेकंड स्टेप है ए पेज विथ लिंक टू अदर वेब पेज अपीयर एक जो पेज होता है वो आपका वो दूसरे लिंक से क्या होता है अटैच्ड होता है ए पेज विथ लिंक एक जो पेज होता है लिंक्स के साथ टू अदर वेब पेज अपीयर जो आपका अदर वेब पेज है वो भी आपको क्या करने लगेगा शो करने लगेगा द लिंक आर ब्लू इन कलर एंड अंडरलाइन जो आपका लिंक होगा वो ब्लू कलर से होगा और अंडरलाइन होगा ठीक है उस लिंक के नीचे अंडरलाइन होगा और वो जो लिंक है आपका ब्लू कलर में होगा क्लिक दिस लिंक टू सी द वेब पेज रिलेटेड टू द कीवर्ड्स आप उस लिंक को क्लिक करोगे देखोगे क्लिक करोगे तो आप उस वेब पेज से रिलेटेड चीज़ें पाओगे ठीक है टू द कीवर्ड्स में जाकर रिलेटेड टू द की वर्ड की वर्ड से रिलेटेड आपको वेब पेज में और सारी लिंक और चीज़ें उसमें मिलेंगी यू कैन यूज़ द गूगल सर्च इंजन टू लुक फॉर इन्फॉर्मेशन और मेनी टॉपिक यू कैन यूज़ द गूगल सर्च इंजन इंजन अगर आप गूगल सर्च इंजन यूज़ करते हो टू 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 लुक फॉर इंफॉर्मेशन और मनी टॉपिक तो इसमें आप देखोगे कि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे टॉपिक के बारे में ये आपको नॉलेज देता है बताता है ओके okay? जो भी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसमें से ले सकते हो नैक्स्ट है आपका फोर्थ स्टेप फोर्थ स्टेप है आपका वंस यू हैव फाउंड द इंफॉर्मेशन वे आर सर्चिंग फॉर सेव द वेब पेज ऑन योर कंप्यूटर और टेक अ प्रिंट आउट अगर आप चाहते हो कि आप इंफॉर्मेशन को देखो और उसे फाउंड करो वे आर यू सर्चिंग फॉर अगर आपको ढूंढना ना पड़े तो उसके लिए आपको आप सेव आप करना हो एंड वेब पेज योर कम्प्यूटर ऑन द टेक प्रिंट आउट और उसका प्रिंट आउट आपको निकालना हो उस वेब पेज का तो उसके लिए सर्चिंग एम एज ऑन द गूगल सर्च इंजन इजी गूगल सर्च इंजन में से हम उस पेज को आप उस गूगल सर्च इंजन में जाकर के बहुत ही ईजिली बहुत ही आसानी से उसे search कर search wildlife. Wildlife सर्च कर सकते हो टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ के बारे में आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो टाइप वाइल्ड लाइफ इन द सर्च बॉक्स वाइल्ड लाइफ टाइप करोगे आप उस सर्च बॉक्स में फिर टू सर्च फ्रॉम अ पिक्चर ऑन द वाइल्ड लाइफ फिर आप सर्च करोगे पिक्चर के बारे में वाइल्ड लाइफ पिक्चर के बारे में सर्च करोगे क्लिक ऑन इमेज ऑन द गूगल ब्राउज़र मीनू फिर आप उस इमेज को क्लिक करोगे गूगल ब्राउज़र मीनू से ठीक है उस पिक्चर पर क्लिक करोगे तो गूगल ब्राउजर मीनू एंड यू विल गेट मेनी पिक्चर ऑन द वाइल्ड लाइफ गूगल ब्राउज़र मीनू से आपको और भी बहुत सारे पिक्चर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आएंगे शो करेंगे क्लिक ऑन द वीडियोज़ यू विल गेट वीडियोज ऑफ ऑन एनी सब्जेक्ट तो इस तरह से आप क्लिक ऑन वीडियोज़ आप उस वीडियोज़ को क्लिक कर सके देख सकते हो सुन सकते हो यू विल गेट वीडियोज़ ऑन एनी सब्जेक्ट आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में किसी भी चीज़ किसी भी टॉपिक के बारे में किसी भी चीज़ के रिलेटेड के बारे में आप इसमें अपने नॉलेज के बारे में देख सकते हो उस वीडियोस को क्लिक कर सकते हो ओके टू तो सेव द वेब पेज क्लिक फ़ाइल अगर आपको वेब पेज को सेव करना है तो उसके लिए क्लिक फाइल पे करोगे फिर सेव एस पे जाकर सेव कर लोगे टू तो प्रिंट अ वेब पेज क्लिक फाइल अगर आपको प्रिंट करना है वेब पेज को उस पेज को प्रिंट करना है तो उसके लिए क्लिक फाइल पे क्लिक करोगे फिर प्रिंट पे क्लिक करोगे तो उससे आपको जो है उस चीज़ का प्रिंट आउट उस पिक्चर का प्रिंट आउट मिल जाएगा ओके बेटा तो ये आपका जो है सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है ये आपका लास्ट चैप्टर था एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर सेंड कर दी जाएगी थैंक यू सो मच